नमस्कार साथियों, आज के फ्रेश और दमदार वीडियो में देखेंगे आमस एक्सप्रेसवे के भूमि पूजन के संबंध में तथा देखेंगे नितिन गडकरी द्वारा घोषित बिहार में बनने वाले भविष्य के कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम के बारे में। स्वागत है मेरे चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। जिसका इंतजार था शायद वो समय आ गया है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन 7 जून को हो सकता है। माननीय पथ निर्माण मंत्री 7 जून को बिहार दौरे पर है। 230 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, जिसको बिहार का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहा जाता है, 7 जून को भूमि पूजन हो सकता है, जैसा कि इस न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। लेकिन पूरी तरह यह कंफर्म न्यूज़ नहीं है। हालांकि आमस एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए 2 महीना पहले ही जारी हो चुका है। साथ ही मेघा इंजीनियरिंग को 55 किलोमीटर लंबा फेज 1 को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया जा चुका है। मैंने शायद वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में भी पूरी तरह उद्घाटन हो सकता है बताया गया है, जो कि कंफर्मेशन नहीं देता है, तथा जमीन अधिग्रहण भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। साथ ही समानतः बड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास चुनाव के समय किया जाता है। फिलहाल कोई अभी चुनाव भी नहीं है, लेकिन अगर 2024 तक आमस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करना है तो हो सकता है 7 जून को ही शिलान्यास हो जाए, ताकि 2024 में चुनाव के समय आमस एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा को उद्घाटन किया जा सके। 2-3 दिन के इंतजार के बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा और आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। 5 जून को ही महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाना तय किया गया है। साथ ही नितिन गडकरी द्वारा बहुत और भी प्रोजेक्ट बिहार के अंदर घोषणा किया गया है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बिहार में 1 लाख करोड़ के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 लाख करोड़ के करीब 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे और 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर और 1 रिंग रोड का निर्माण हो रहा। रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो 35,000 करोड़ का है, जिसकी लागत 700 किलोमीटर है, और 18,000 करोड़ की लागत से 370 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनेगा और यह कॉरिडोर निश्चित। अगर दैनिक भास्कर के इस न्यूज को देखा जाए तो यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जैसे कि 15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड हो या 12,000 करोड़ रुपए से उद्घाटन होने वाले 13 अलग अलग परियोजनाएं, जिसमें पटना रिंग रोड भी शामिल है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। टाइम टू टाइम इस प्रोजेक्ट पर हम आपको छोटा बड़ा अपडेट देते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ पूछना या बताना है तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।